चलेगा ना है, क्योंकि मैं तो हिंदी भाषी राज्य में हूँ यहाँ पे इस टाइम। इंग्लिश में बोले ठीक है, दोनों मिक्स कर दीजिए, दोनों मिक्स कर दें, सब समझेंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB ने 10th CGD बिडिंग राउंड अभी शुरू किया है और 22 नवंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था विज्ञान भवन से। उसमें दो फंक्शंस किए थे साथ साथ, एक तो जो 10th CGD बिडिंग राउंड का लॉन्च किया था और जो 9th CGD बिडिंग राउंड हमने अवार्ड की रिसेंटली अवार्ड किए थे इन द मंथ ऑफ अगस्त 22 नवंबर 2018 को, और जो 9th राउंड जो हमने अवार्ड किया था अगस्त 2018 में, उसका भूमि पूजन की तरह का एक कार्यक्रम किया गया था देश के 61 अलग अलग जगह में। तो इस स्पीड से काम, कितनी स्पीड से काम चल रहा है कि हमने जुलाई के अंदर हमको बिट्स मिली, अगस्त में हमने उनको LOI इशू कर दी विद इन लेस देन 1 मंथ, और नवंबर के महीने में उन सब में काम भी शुरू हो गया। और वहीं तक नहीं, उसके आगे जो 10वां राउंड था, अगला राउंड, वो भी हमने लॉन्च कर दिया, और इसका जो LOIs है इसकी वो 28 फरवरी तक इशू कर दी जाएंगी। इसकी लास्ट डेट ऑफ बिडिंग जो है वो 5 फरवरी 2019 है, और 7 से 9 फरवरी तक इसकी बिड्स खोली जाएंगी, और 28 फरवरी यानी 19 दिन के अंदर अंदर इसका हम निर्णय ले लेंगे और LOIs इशू कर देंगे। सो इस स्पीड से काम चल रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि 9th राउंड क्या था और 10th राउंड क्या होगा। 9th राउंड में हमने 86 ज्योग्राफिकल एरियाज, जिसमें देश के 174 जिले, उसमें CGD के ऑथोराइजेशन हमने इशू किए हैं, और इन सब जगह में भी अगर हम देखें तो 26% देश की जनसंख्या रहती है। छब्बीस प्रतिशत देश की जनसंख्या रहती है, और 10th राउंड में जो हम कर रहे हैं वहाँ पे 24% देश की जनसंख्या रहती है, 124 जिले और उसमें 50 ज्योग्राफिकल एरियाज। तो अगर हम 9वें राउंड और 10वें राउंड की टोटल बात करें तो 26 और 24, 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वुड बी कवर्ड बाई 8th राउंड एंड 9th राउंड। एंड इफ वी कंपेयर इट विद हिस्टोरिकल व्हाट हैज बीन डन, हिस्टोरिकली ओनली 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वॉज कवर्ड इन सो मेनी डिकेट्स, एंड इन जस्ट इन 2 राउंड्स इन ए टोटल पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर 50% एडिशनल पॉपुलेशन वुड बी कवर्ड, टेकिंग इट द टोटल कवरेज ऑफ CGD नेटवर्क टू अबाउट 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ऑथराइजेशन वुड बी डन बाई दी February 2019, एंड देन दी फॉर एग्जाम्पल दी वर्क ऑफ 9th राउंड इज ऑलरेडी स्टार्टेड, दी वर्क ऑफ 10th राउंड ऑल्सो वुड स्टार्ट इमीजिएटली देयर आफ्टर, एंड देन सिंस इट इज क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव गिवन 8 ईयर्स टाइम टू दी ऑथोराइज एंटिटीज टू कंप्लीट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम दी डेट ऑफ ऑथोराइजेशन। टोटल इन्वेस्टमेंट इन दीज 2 राउंड्स, द 9th राउंड वुड अट्रैक्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000 crores, एंड 10th राउंड वुड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 करोड। इफ वी टॉक ऑफ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द बोथ द राउंड्स वुड ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ वेरी बिग नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, बिकॉज मेनी न्यू स्किल्स विल कम, एंड द मेन रीजन फॉर द CGD, there are 2 reasons. One is the pollution, the so much of pollution our cities are facing today, and in our opinion with the use of more gas either in the houses or in the vehicles or even in the industries, I think pollution can be controlled to a great extent, so that's why it is there, that is one. And on the economic side also, this is economically more beneficial, because when we talk of the transport sector, natural gas CNG
is cheaper by 60%, as much as 60% when we compare it with petrol, and 45% when we compare it with diesel. It will be couple of lakhs. It will be couple of lakhs in each of the round. In each of the round, 9th round and 10th round. I don't have the exact number with me at present, so I don't want to give a wrong number. So, if we compare it with subsidized LPG for the domestic kitchen. It is almost similar to the subsidized LPG, but when we compare it with the market price LPG, then it is at least 40% cheaper than the market price LPG. So on the economic front, it is far better, as well as it is preferable from environment point of view. एक वीडियो दिखाया प्रधानमंत्री जी उसमें बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जैसे म्युनिसिपैलिटी का पानी घर में पाइप से आता है उस तरह से गैस भी आएगी जैसे गैस उस तरह से आएगी तो सिलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो जिसके पास सिलेंडर है उनके पास जब घरों में गैस का कनेक्शन लग जाएगा तो दे आर फ्री टू रिटर्न देयर सिलेंडर्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड गेट देयर सिक्योरिटी बैक जैसा आपका वो जो डिस्ट्रीब्यूटर से आपका जैसा भी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से होगा उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है तो लेकिन बता रहे हैं कि उसमें सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी तक हिस्टोरिकली देश में 46 लाख के आसपास 46 लाख से थोड़े ज्यादा कस्टमर्स के पास पाइप नेचुरल गैस पहुंची है भारत सरकार का प्रयास है कि इसको हम 1 करोड़ तक पहुंचा दें 2020 तक और जिस हिसाब से काम चल रहा है ये हो जाएगा अभी हम बात करें 9वें राउंड की तो 9वें राउंड में सिर्फ एक सिंगल राउंड में जो हमको कमिटमेंट मिली है जिन लोगों ने ऑथराइजेशन लिए हैं उन्होंने जो कमिटमेंट दी है हमको वो 2 करोड़ 21 लाख कनेक्शन की दी है इन नेक्स्ट 8 ईयर्स ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब पाइप लगाना पड़ता है अभी लोगों को पहले समझाना पड़ता है कि ये क्या कंसेप्ट है क्या इसके फायदे हैं उसके बाद में पाइप लगाना पड़ता है परमिशंस लेनी पड़ती हैं म्युनिसिपैलिटीज से स्टेट गवर्नमेंट से तो ये काफ़ी लंबा मतलब इसका प्रोसेस है और गली गली में पाइप लगाना है मतलब उसके तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी है उसमें पाइप की प्रोडक्शन की कैपेसिटी की भी कॉन्स्टेंट है उसमें जो प्लम्बर्स हैं उसकी भी कॉन्स्टेंट है गली गली को खोदने की भी कॉन्स्टेंट है तो उसमें सारी की सारी तो उसमें हमने इसका अध्ययन करके देखा कि 8 साल का पीरियड जो है अप्रोप्रिएट है सीएनजी फ्रंट पे जो जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल रहा है वहाँ पे सीएनजी भी मिलेगी और हमारा ये एक तो ये है कि जो एरियाज हमने अथॉराइज किए हैं उसमें जो एंटिटीज हैं जिसको ये काम मिला है वो अपने सीएनजी स्टेशन लगाएंगी या तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं पेट्रोल पंप वहाँ पे एक नया डिस्पेंसर भी खड़ा कर देंगी या जो सिर्फ स्टैंड अलोन जहाँ पे सिर्फ नेचुरल गैस ही मिलेगी सीएनजी ही मिलेगी उस तरह के मतलब वो लगाएंगे अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ अभी तक चंडीगढ़ के शहर में 6 सीएनजी स्टेशन है और मार्च 2019 तक कलम में जिस एंटिटी को काम मिला हुआ है आईओसी अडानी तो उससे उनसे बात कर रहे थे तो ये मार्च तक 11 हो जाएंगे और उनका जो टोटल प्लान है टोटल 27 सीएनजी स्टेशन को इंस्टॉल करने का टोटल प्लान है एक हमारे इसमें ये है 2020 तक एक इसमें एक हमारा ये प्रयत्न ये है 2019 तक इनके 11 आ जाएंगे 6 अभी हैं 2019 तक 11 आ जाएंगे मार्च 2019 तक और 2020 तक 27 हो जाएंगे इसमें हमारा प्रयोजन यह है बहुत सारे लोग इसको नहीं लेते सीएनजी को अपने व्हीकल्स को कन्वर्ट नहीं करते इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है फॉर एग्जांपल तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि दिल्ली में रास्ते में भी मतलब गैस मिलेगी या नहीं मिलेगी तो जो हाईवेज हैं जैसे दिल्ली चंडीगढ़ है दिल्ली मुंबई है बम्बई से बेंगलोर जाने का है
कन्याकुमारी से नागपुर जाने का है, इस तरह के हमने कुछ जो बड़े हाईवेज हैं जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से जुड़े हुए हैं, उन सबको स्टडी करके और उन सब को हमने पूरा का पूरा जो हाईवे है उस पर 10th राउंड के बाद में लगभग उनमें बहुत सारे हाईवेज पे सीएनजी आ जाएगी। तो ये पंजाब का नंबर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप हमको कार्ड देंगे बाद में तो मैं आपको ईमेल करूंगा। तो एक तो ये प्रयत्न है, दूसरा प्रयत्न है कि जहां पर ये सीएनजी लग गई जैसे दिल्ली में लग गई या बंबई में लग गई, वो काफी पहले से चल रहा है, तो वहां पे अभी एक दूसरी तरह की प्रॉब्लम आ गई है। वहां प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे जो सीएनजी स्टेशन के साथ में लाइन बहुत लंबी लग गई, क्योंकि हाँ, 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 तो यहां पर भी है। तो अब उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं जो अथॉराइज्ड एंटिटीज है उनसे बात करके कि जो नंबर्स हैं सीएनजी स्टेशंस के वो इंक्रीज करें। वो स्लो है कुछ जगह जैसे चंडीगढ़ में कल जो हम बात कर रहे थे उसमें, यहाँ पर जो चंडीगढ़ में लैंड की दिक्कत है, जमीन नहीं मिलती है, तो उन्होंने क्या बोलते उसका रास्ता निकाला कि जो पेट्रोल के ऑलरेडी लगे हुए हैं वहाँ पे, जो जगह बची हुई है उनके पास में वहाँ पे एक दो डिस्पेंसर्स अपने लगवा दिए उनसे बात करके, IOC BPC HPC से बात करके, तो उससे मतलब काम चला। तो वो मतलब क्योंकि एक एक दो दो ही डिस्पेंसर लग रहे हैं उसमें या दो तीन लग जाएंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो उसमें काफ़ी काम किया जा रहा है। और उसमें हम जो CNG एंटिटीज़ हैं तेजी से काम चल रहा है, मिस्टर रंगनाथन है IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये बताएंगे कि मतलब वो कितनी तेजी से नए CNG स्टेशन लगा रहे हैं दिल्ली में और बाकी जगह भी। और अभी जैसे चीफ सेक्रेटरी बता रहे थे कि कोई भी नई कंसेप्ट आती है कुछ टीजिंग ट्रबल्स होती हैं, कोई स्टडी करवाई उसमें पता लगा कि डिस्पेंसिंग टाइम जो है उतना लंबा नहीं है, कैश पेमेंट टाइम काफ़ी लंबा है, क्योंकि जैसे पेट्रोल पंप भरवाते हैं, पेट्रोल पंप वाले को क्या कहते हैं 400 रुपये का पेट्रोल डाल दो, उसमें कोई छुट्टे पैसे देने का लेने का कोई झंझट नहीं है। CNG के अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारा टैंक फुल कर दो, टैंक को फुल कर दो, क्योंकि पता नहीं कि नेक्स्ट टाइम में आएंगे तो कितनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। तो इसलिए हाँ तो वो बात भी है। तो ये इन्होंने मतलब स्टडी करा के ये नतीजा निकाला। तो ये अभी इसका फिर इन्होंने क्या समाधान निकाला कि क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड या एक अलग से कैश काउंटर बनवा दें। तो इस तरह का मतलब बहुत काम चल रहा है इस क्षेत्र में कि मतलब किस तरह से टेक्निकली जैसे विंटर में आप देखेंगे गाड़ी में 1 किलो एक्स्ट्रा भरेगा, 9 की जगह 10 भरेगा, वो क्यों है, गैस जो है ठंडा है, तो आपको 12% टाइम का ज़्यादा आप रोड में रह सकते हैं फिर ही वापस आएंगे। तो वो हमने अभी 2 स्टेशन में ऐसे किया है कि कंप्रेसर के बाहर फिर वो आर्टिफिशियली कूल कर, तो समर में भी ठंडा गैस ही आ जाए। PNG में देखिए अभी जो हमने PNG में करके रखा 76,000 घरों में पाइप का गैस का हमने काम किया हुआ है। पाइपलाइन गई नहीं, गैस कनेक्शन भी पहुंच गए हैं, बिल उनका जो कन्वर्जन चालू है, मतलब हर स्टेज पे काम होता है। अगर आप देखेंगे हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर ले किया है 400 किलोमीटर पाइपलाइन चंडीगढ़ में ले हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बिल्ड। हाँ आज तक कस्टमर को कोई चॉइस नहीं दी गई कि वो LPG ले या वो, क्योंकि वो LPG जो अगर क्लीन फ्यूल की बात करें तो एक LPG तो बची है ना, तो LPG के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। तो अभी उसके पास चॉइस है, LPG भी है, CNG भी है, तो दोनों चीज पहले ही चलेंगी। और हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि जो नई सोसाइटी जो बन रही है, मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स बन रहे हैं, वहां पर मतलब 100% कन्वर्जन हो जाए तो मतलब एक तो दो फायदे होंगे, एक तो मतलब वो LPG से मुक्त हो गया और जो LPG ये CNG की PNG की जो कंपनीज हैं उनको वो ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, एक ही जगह कंसंट्रेशन होगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो हमारा प्रेजेंट ये रहेगा कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे मतलब वो 100% कन्वर्जन हो जाए तो अच्छा है। 47, 46 करते एंटायर रो
एंड देन वी आर कमिंग टू द 32, 33, 34, 35 बीच में गैप है, उसकी अभी परमिशन हमारे पास नहीं है. 36, 37, 38 अप टू 40 ऑल दिस सेक्टर्स दे हैव दिस कंप्लेंट 9 to 10 में 50% ऑफ पॉपुलेशन. हाँ जी, नहीं देखिए बाकी अब 9th और 10th के बाद में 70% टोटल कवर हो जाएगी, क्योंकि 20% तो अप टू 8th है, 20% तो ऑलरेडी कवर थी हिस्टोरिकली, और 9th और 10th के मिला के 50% 70% कवरेज हो जाएगी, और बाकी 30% का जो है दैट विल डिपेंड ऑन फर्दर न्यू बिग पाइपलाइंस कमिंग इन द कंट्री. सो फॉर न्यू पाइपलाइंस इन द कंट्री दैट वर्क इज ऑल्सो गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली. सो मे बी आफ्टर ए गैप ऑफ 1.5 years अगेन वी कम बैक विद ए राउंड, बट इट विल टेक सम टाइम. सो आफ्टर 70% द प्रोग्रेस वुड बी लिटिल स्लोअर देन वट हैज बीन देर इन द पास्ट. इसमें आज की तारीख में जो प्रोडक्शन और इम्पोर्ट का रेशियो है लगभग 50-50 का रेशियो है. 50% हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और 50% हम इम्पोर्ट कर रहे हैं. टोटली है जी, ये आप बताए ना. ये एक्चुअली जो इनसाइड द सिटी में कुछ भी होता है तो उसको स्क्वीज करते हैं, और वॉल एक तो पहले आगे पीछे का वॉल बंद कर देंगे तो जो है वो गैस लीकेज वैसे ही कम हो जाएगा. उसके बाद उसको काट के स्क्वीज करके रिपेयर करने में करीब करीब आधे घंटे से एक घंटा लगता है. हेल्थ हजार्ड ये नेचुरल गैस ऐसी नहीं, मैं बता रहा हूँ लाइटर देन एलपीजी नीचे जाती है एलपीजी. हाँ तो वो जब उड़ जाएगी इवेपोरेट हो जाएगी तो आग लगने के संभावना बहुत कम है. होगा ना 5 meters ऊपर जाते ही वो मिल जाएगा. 86 एरियाज के लिए और उसमें 34 बिडर्स आए थे. उन 34 बिडर्स में 9 बिडर्स नए थे जो पहले इस बिजनेस में नहीं थे, मैं बता रहा हूँ, और उसमें 2 इंटरनेशनल बिडर्स भी थे. इंटरनेशनल बिडर्स सीजीडी बिजनेस में पहली बार आए देश में और इन्होंने सक्सेसफुली पार्टिसिपेट किया. मेरे ख्याल से इनको 6-7 86 में से 6-7 एरियाज इनको मिले हैं.